हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर, ठीक, जिसे हमने पिछले क्लासेस में टोकन्स पढ़े हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर, ठीक, टोकन्स के अंदर ही ये ऑपरेटर होता है, लिटरल्स के बाद ऑपरेटर पढ़ने वाले हैं। तो ऑपरेटर क्या होता है, सबसे पहले ये हम जान लेते हैं। जावा में बहुत सारे ऑपरेटर्स यूज होते हैं, जो कि एक नहीं कई हैं, ठीक। तो जावा, जैसे कि हमने ऑपरेटर से मतलब पहले समझ लेते हैं। आपने सुना होगा बहुत सारे ऑपरेटर, वैकेंसी भी निकलती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, बहुत सारे ऑपरेटर का मतलब क्या होता है, ऑपरेट से है। ऑपरेट यानी चलाना, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए। जब हम किसी भी एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए किसी भी ऑपरेट का यूज करते हैं, तो ऑपरेटर कहलाता है, ठीक। तो हम सबसे पहले समझते हैं कि जावा में ऑपरेटर का मतलब क्या है, और हमने कभी क्या इसका यूज किया है या नहीं किया है। तो हमने ऑलरेडी ऑपरेटर का यूज किया है, जैसे हम लोगों ने एक से लेकर 12th क्लास तक ही पढ़ी है। जो भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते थे, जैसे कह सकते हैं हम प्लस माइनस, ठीक, इन टू डिवीजन, ये सारी चीज़ें हम पहले भी मैथ में करते थे। इक्वल मतलब ये पांच ही बेसिकली ऑपरेटर का हम यूज करते थे। कैलकुलेटर हम कह सकते हैं, कैलकुलेटर में भी प्लस माइनस डिवीजन इन टू, ये सारी चीज़ क्या होती हैं, ये ऑपरेटर ही तो हैं जो दो वैल्यू को आपस में जोड़ती हैं, ठीक, घटाती हैं, गुणा करती हैं, डिवीजन करती हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ आती हैं, ऑपरेटर ही तो उसके एक्सप्रेशन को चेंज करता है, वो ही बताता है कि करना क्या है। यदि 5 प्लस 10 लिखा हुआ है, तो प्लस ही तो बता रहा है कि यहाँ पे प्लस करना है। यदि माइनस लग गया तो माइनस कर देता है। 10 5 15 होता है, तो 10 माइनस 5 इक्वल 5 कर देगा। तो यही चीज़ है कि यदि हम किसी भी एक्सप्रेशन को व्यक्त करना चाहते हैं, तो ऑपरेटर की ज़रूरत होती है। तो जो जावा है, तो जावा में भी किसी भी ऑपरेटर का यूज हम सिर्फ इसीलिए करते हैं, मैथमेटिकल एंड लॉजिकल मैनिपुलेशन करने के लिए, ठीक। तो ये हमने पांच तो बेसिकली पढ़ी हैं, लेकिन उसके बाद के जो ऑपरेटर्स होते हैं, मतलब कि बहुत सारे होते हैं, कि चेक करना है हमको कि 10 अंकों में बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, कितने सबसे बड़े दो हैं, मतलब कि अगर 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू दी गई है, तो जो सबसे बड़े हैं 9 और 10, वो कैसे हमें प्राप्त होगा, जो मैथ की लॉजिक की चीजें हैं, ठीक। तो जावा में हम कह सकते हैं कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल एक्सप्रेशन को व्यक्त करने के लिए हमें ऑपरेटर की जरूरत होती है। तो जावा में कई कैटेगरी में बटी हुई है ऑपरेटर, ठीक। तो इसमें कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, एरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, कंडीशनल ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर और स्पेशल ऑपरेटर। तो दोस्तों, हम इन सभी ऑपरेटर्स को पढ़ेंगे कि ये ऑपरेटर वास्तव में होते क्या हैं। जैसे कि हमने पहला लिया क्या, एरिथमेटिक ऑपरेटर। एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, एरिथमेटिक ऑपरेटर को हम बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर भी बोलते हैं, मतलब जो हमने आप अब तक मैथ में किया है यार, प्लस माइनस इंटू डिवीजन। तो यहाँ पे इनका नाम क्या चेंज हो जाता है, प्लस का क्या हो जाता है एडिशन, माइनस का क्या हो जाता है सबस्ट्रैक्शन, इनटू का क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन, और डिवीजन का डिवीजन ही रहता है, डिवाइड बोलते थे पहले, पर ये डिवीजन हो गया, ठीक। और एक होता है परसेंटेज चिन्ह, जैसे जिसे हम परसेंटेज सिंबल से प्रदर्शित करते थे, जैसे 100 में से 5% निकालना है, ये सारी चीजें होते थे। तो यहाँ पे एरिथमेटिक ऑपरेटर में मॉड्यूलो डिवीजन उसे बोलते हैं, जिसे हम एक तरह से कह सकते हैं शेषफल, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा, एरिथमेटिक ऑपरेटर में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो डिवीजन, ठीक। तो जैसे हम कह सकते हैं ए प्लस बी, ये क्या हुआ, एडिशन हो रहा है। अगर 5 प्लस 10 कर रहे हैं, तो क्या आएगा आंसर उसका, 15। और माइनस यानी जिसे हम कहते हैं मल्टी, इसे यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में 5 सब्ट्रैक्शन 10 इज इक्वल 5, मतलब ए माइनस बी जिसे हम बोलते थे, ठीक, ये क्या हुआ सब्ट्रैक्शन। और मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 5 × 5 इज इक्वल 25। तो हम इसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, 5 × 5 इज इक्वल 25, ठीक। और डिवीजन क्या होता है, डिवीजन का मीन्स ये होता है कि जैसे हम डिवाइड करते हैं 10 / 5 तो इज इक्वल 2, ठीक, 5 / 5 करते हैं तो इज इक्वल 1। तो इस तरह के जो भी आते हैं, मतलब ए / बी इज इक्वल सी, तो ये क्या है,
डिवीजन। अब मॉड्यूलो डिवीजन सबसे मोस्ट, जो कि समझने में काफी दिक्कत होती है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बहुत सरल तरीके बता रहा हूँ कि जिसे हम एक तरह से भाग देने के बाद जो बचता है शेषफल, उसे हम कहते हैं मॉड्यूलो डिवीजन। जैसे 5 = 5 मॉड्यूलो, या उसे मॉड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, 5 mod 5 = 0। क्यों 0 आ रहा है? यदि हम 5 का भाग 5 में देते हैं तो 5 + 5 तो हो जाता है, ये क्या आया डिवीजन 1, मतलब 5 में 5 का भाग गया मतलब 1, लेकिन जो शेष फल आएगा क्या आएगा 0। तो हम उसे क्या कहेंगे मॉड्यूलो, जो शेष फल बचता है उसी को मॉड्यूलो डिवीजन कहा जाता है। तो हमने पढ़ा एरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होता है, अब हम आगे पढ़ने वाले हैं रिलेशनल ऑपरेटर। तो रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है ये मैं आपको अगले ट्यूटोरियल में बताने वाला हूँ कि मतलब कि रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे होता है। तो तब तक के लिए आप हमारे पिछले वीडियोज को देख सकते हैं जिसमें बहुत सारे जावा के प्रोग्राम्स बताए गए हैं कि इसमें क्या होते हैं बेसिकली चीज़ें। तो धन्यवाद दोस्तों, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा।